साहबजादे खुद सैर सपाटा करने निकल गए। कह रहा था यहाँ की रोज की रूटीन से तंग आ गया हूँ, कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ फ्रेंड्स के साथ, अच्छा है ना? ये इब्ने बतूता बनने का ख्याल कब से आ गया इसको? भाई दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया, उसने कहा मैं भी साथ चलता हूँ। अच्छा है इस तरह जरा सा ये प्रिंसिपल के चक्कर से भी दूर रहेगा। न जाने कैसी औरत के चक्कर में फंस गया ये। शावेज ने अपनी इज्जत तो गंवाई है, साथ साथ हमें भी रुसवा कर दिया। चलें अच्छा है ना, दोस्तों की कंपनी में रहेगा, कुछ उसके मिजाज पे भी अच्छा असर पड़ेगा। बुरा नहीं मानना, तुम्हारे ही लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा है। कतलन, जब मैं आपके साथ होता हूं मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझता हूं, लेकिन आप थोड़ी परेशान लग रही हैं, कुछ बुझी बुझी सी लग रही है, क्या बात है? अंदेशे खुशियों की दीवारों में दरार डाल देते हैं। जो लोग मुझे आइडियलाइज करते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जब इन बातों के बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत खौफजदा हो जाती हूँ। अपने हर खौफ, अपने हर दुख मुझे सौंप दे, मैं इसको खुशियों में बदल दूंगा। मगर जब सब लोगों को हमारी शादी के बारे में पता चलेगा तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमने शादी की, कुछ गलत नहीं किया, तो फिर डर किस बात का? और ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम अपनी जिंदगी से ये बात निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे, तो हमारी जिंदगी पुरसकून हो सकती है। लेकिन शावेज, हम जिस माशरे में रहते हैं वहां ये सवाल बहुत अहम समझा जाता है कि लोग क्या कहेंगे, और बास दफा तो लोग अपनी ख्वाहिशात ही खत्म कर देते हैं सिर्फ इस डर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। मसलियतें खुशियों को निगल लेती हैं और मजबूरियां बालों में सफेदी ले आती हैं। एक उम्र गुजार के भी लोगों को कुछ नहीं मिलता। मुझे तो आप मिल गई हैं, और आपको मैं आपकी सब भूल जाएं, तो मुझ पे भरोसा रखें, मैं आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको अकेला नहीं होने दूंगा। यहां मैं पहले भी कई बार आ चुका हूं, लेकिन ये जगह मुझे इतनी खूबसूरत कभी भी नहीं लगी, क्योंकि खूबसूरती जगहों में नहीं अपने हम सफर के साथ गुजारे लम्हों में होती है। ये जगह, ये वक्त, ये लम्हे इतने खूबसूरत है, वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा। मोहब्बत का हर लम्हा ही खूबसूरत होता है। लो ना।